अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको पंजाब फार्मेसी कौंसिल के हवाले से एक आजकल नया मामला स्टार्ट हो चुका है कि तलबा बी फार्मेसी कैटेगरी के जो तलबा हैं ना, बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो रहीम खां मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुल्तान में इनके बार बार स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो आपको ये हम पिक्स भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बात ये है कि इनकी वजह क्या है, तलबा की जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो बी कैटेगरी के तलबा हैं, क्यों बार बार ये स्ट्राइक कर रहे हैं। बात करें कि बी कैटेगरी होती क्या है फार्मेसी की, और ये होती है डी कैटेगरी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज बात होगी बी कैटेगरी जो फार्मेसी है ना, इसके हवाले से। तो बी फार्मेसी, ये बी फार्मेसी बेसिकली 2 साल का ये डिप्लोमा होता है कोर्सेस, और जिसमें इसका फ़ायदा ये होता है जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, सनत मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये, आप अपना प्राइवेट स्टोर भी खोल सकते हैं जिसका आपको ये बेनिफिट होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये अलाउमेंट नहीं होती। और बात यह है कि तलबा आप क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, जिनका सेशन 2017 का था, उनके पेपर्स अभी तक नहीं हुए। जो 2 साल का ये कोर्स था, अब 4 साल का हो गया, लेकिन उनके कोई पेपर्स नहीं हुए और ना ही कोई डेट शीट अनाउंस हुई है। तो तलबा ने, तमाम तलबा एहतजाज करें, उन्होंने आज 10 दिसंबर की डेडलाइन पंजाब फार्मेसी कौंसिल को दी है कि उनकी डेट शीट अनाउंस की जाए या हमारे साथ जो मामला हैं हल किए जाएँ, तय किए जाएँ। वरना वो कह रहे हैं कि 14 दिसंबर को सारे तलबा इकट्ठे होकर एक जगह मुख्तस करेंगे, उस पर तमाम तलबा है, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सारे तलबा इकट्ठे होंगे, स्ट्राइक देंगे। तो पंजाब फार्मेसी कौंसिल के खिलाफ कि हमारे ये मामला जल्द अज जल्द हल किया जाए। तो तलबा अब परेशान हैं, उनके वालिदैन भी परेशान हैं कि उनके पेपर्स अभी तक नहीं हुए। तो अल्लाह खैर करे। तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का, उन तलबा के साथ ये जाती है कि उन तलबा के पेपर्स हो जाएँ, क्योंकि हमारा भी 2017 का सेशन था, 2019 को हो गया, 20 पे रिजल्ट अनाउंस हुआ, कोविड की वजह से डिले हुआ। डेंटल टेक्नीशियन का निश्चर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने ये किया हुआ है। तो मेरा मकसद ये है कि किसी का 1 या 2 साल किसी का भी ज़ाय ना हो, क्योंकि आज तो एक एक घंटा भी कीमती है, कि एक एक दिन भी कीमती है। अगर किसी के 2 साल का कोर्स हो, वो 4 साल में करवाया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो पंजाब फार्मेसी कौंसिल को चाहिए उनके सारे मामला हल करे। मेरी भी अल्लाह पाक से ही दुआ है, अल्लाह पाक तमाम तलबा के मसाइल हल फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कोई न्यू अपडेट होगी तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।